रमेश वर्मा पेशे से पत्रकार हैं, लेकिन कलम के साथ साथ उन्होंने आरटीआई को अपना हथियार बनाया और कई ऐसे बड़े बड़े खुलासे करवाए जिनके बारे में हम सब ने पढ़ा और देखा है। सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाओं की बिक्री हो या फर्जी डॉक्टरों का गोरखधंधा, नेताओं की विदेश यात्राएं हो या क्लिनिकल ट्रायल्स में हो रही मौतों के आंकड़े, ये सारे सच हम जान पाए क्योंकि रमेश वर्मा दिन रात जुटे रहते हैं आरटीआई के जरिए जानकारी निकालने और सिस्टम में हो रही गड़बड़ियों पर से पर्दा उठाने के लिए। भले ही इस काम में उनके हाथ आई बदनामी, लेकिन वो अपने मकसद पर डटे रहे, बिना डिगे बिना डरे। रमेश जी, आरटीआई डालने की शुरुआत कब और कैसे हुई? आरटीआई जब से आरटीआई एक्ट आया उसी के बाद से हम लोग आरटीआई डाल रहे हैं। उसके पहले भी करप्शन के खिलाफ हम लोग काम करते रहते थे, लेकिन आरटीआई ऐसा हथियार आया जिससे हम लोग अंदर की सूचनाएं निकलवाने लग गए, उससे कई बड़े बड़े खुलासे होने लग गए, तो उससे लगा कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो हम लोग उसको कंटिन्यू डालते रहे। सबसे पहली आरटीआई क्या डाली थी? सबसे पहली आरटीआई मैंने हमारे हरियाणा में फर्जी डिग्री के ऊपर कुछ डॉक्टर लगे हुए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, अच्छा, उसके ऊपर मैंने आरटीआई डाली थी। तो उस आरटीआई से काफी भागदौड़ के बाद वो रिजल्ट आया और सामने पता लगा कुछ लोग जो फर्जी डिग्री के आधार पर सरकारी अस्पतालों में इलाज कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका मामला सामने आया फर्स्ट आरटीआई से। उसके बाद हौसला बढ़ता गया, फिर नई आरटीआई डालते गए। अभी तक अगर मैं पूछूं आप कितनी आरटीआई डाल चुके हैं? अभी तक मैं 500 से ज्यादा आरटीआई फाइल कर चुका हूँ। चलिए आपको एक मैसेज सुनवाते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि रमेश के पिताजी ने एक बार आटे की चक्की लगाने के लिए बिजली का कनेक्शन मांगा था, तो उस कनेक्शन को बगैर रिश्वत के लगवाने के लिए उन्हें 10 साल के करीब टाइम लग गया था। उन्होंने आखिर में हार के तत्कालीन मुख्यमंत्री से मुलाकात करके कहा, जी मेरा इतने सालों से कनेक्शन नहीं लग रहा और मैं अगर 500 रुपए भी खर्च कर देता तो मेरा 10 साल पहले लग जाता है कनेक्शन, तब जाके लगा था। उस वजह से ये संघर्ष की आदत जो आपने अडॉप्ट करी कि हाँ सही रास्ते पे चलने के लिए कितनी भी कठिनाई हो, वो उसका रिजल्ट अब मैं देख रहा हूँ कि आप कितने अच्छे तरीके से वेल ट्रेन्ड, वेल बिहेव्ड और सबसे बड़ी बात कि रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविस्ट हो गए हो। लेकिन खतरा है, ईमानदारी के रास्ते पे चलना है और भ्रष्टाचारियों से लड़ना है तो खतरा है इस देश में। पिछले दिनों मेरे स्टिंग ऑपरेशन में 11 लोगों को 7-7 साल की सजा हुई है भ्रष्टाचार के मामलों में, हुड्डा डिपार्टमेंट में हरियाणा में और एक बिजली विभाग में। तो निश्चित रूप से वो चीजें तो रहती है, लेकिन जब हमें करना है, चलना है, किसी को तो करना ही पड़ेगा, किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। अगर हम सब लोग डर के घर में चुप करके बैठ जाएंगे तो सिस्टम और ज्यादा खराब होता जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। आज सिर्फ इसीलिए आज हम ये शो कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो अभी तक जानते नहीं कि आरटीआई क्या है, या बहुत हल्के में लेते हैं वो, उसको इतनी सीरियसली नहीं लेते, या कई लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा क्या होगा आरटीआई डालने से, कुछ नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। आप ऐसे लोगों की सोच बदलने के लिए कोशिश करते हैं? निश्चित रूप से हमने बहुत सी ऐसी आरटीआई डलवाई है लोगों की, जिनको लोन नहीं मिल रहा था उनके आरटीआई से लोन मिला है, जिनका पीएफ नहीं दे रहा था डिपार्टमेंट उनके पीएफ मिला है। इस तरह से बहुत सी ऐसी काम हुए। मैं समझता हूँ अगर आरटीआई नहीं होती तो शायद वो काम नहीं हो पाता और हम लोग भी नहीं करवा पाते शायद वो काम। और ऐसी चीजें जो सामने आई है आरटीआई से कि वो बिना आरटीआई के संभव थी नहीं। रमेश जी, धमकियां मिली, लालच दिया गया, सब कुछ हुआ आपके संग? जी, धमकियां भी मिली, लालच भी मिला कि आपको प्लॉट दे देते हैं, इतना पैसा दे देते हैं, सब तरह के कोशिश तो करते हैं वो लोग के किसी तरह चुप हो जाए, इनकी जुबान ना खुले, आरटीआई ना डाले। धमकियां भी देते हैं जब घर पे गुंडे आते हैं, अच्छा, लेकिन वो शब्द वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फेस वो साथ ऐसे लेके आते हैं कि अदरवाइज ये हमारे साथ हैं। एक और वो न्यूज़पेपर कटिंग में देख रही थी कि सोनिया गांधी की विदेश यात्रा पर कितना पैसा खर्च हुआ। जी वो मैं समझता हूँ मैंने जितनी आज तक आरटीआई डाली है, एक वो एक ऐसी आरटीआई है जिसकी सूचनाएं आज तक मुझे नहीं दी गई हैं, और अभी तक मैं उस कोशिश में हूं कि सूचना कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि आप दीजिए इनको, अच्छा, कि इनके विदेश यात्राओं पे कितना खर्चा हुआ है। उस ऑर्डर के बावजूद वो सूचनाएं आज तक नहीं दी गई हैं, उसमें बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में कमीशन ने टिप्पणी भी की थी कि ये लोग बड़े लापरवाही किए इस मामले में, दिया नहीं है।
कमीशन के ऑर्डर के बावजूद वो सूचना आज तक नहीं दी गई, उसके बाद मैंने अब कंप्लेंट डाली हुई है कि आपके आदेशों की पालना नहीं हुई है, सेक्शन 18 में मैंने वो कंप्लेंट भी डाली हुई है कि इसकी आप पालना करवाइए, सूचना दिलवाइए, लेकिन आज तक मेरे ख्याल से एक साल तो उस कंप्लेंट की को भी हो गया मेरे को और आज तक वो सूचना मुझे नहीं मिली है। आपने अपने इलाके में भी बहुत सुधार करने की कोशिश की है सामाजिक स्तर पर, जी स्कूल वगैरह। मैं एक चीज बताऊं तो कि इंडिया में एक पहला ऐसा उदाहरण है कि हमारे यहाँ दो झुग्गी बस्तियां हैं जिनके बच्चे भीख मांगते थे या कूड़ा करकट बीनते थे, तो हमने 6 महीने वो पूरी लड़ाई लड़ी, उसके बाद आज उदाहरण है कि सरकारी बस रोडवेज की उन झुग्गी बस्ती से बच्चों को लेने जाती है, स्कूल छोड़ के आती है, वहाँ खाना मिलता है बच्चों को, मतलब वो करीब 200 बच्चों की जिंदगी एकदम से बदली है। और इंडिया में पहला उदाहरण है कि झुग्गी बस्ती के बच्चों के लिए सरकारी बस लगी हुई है दो, और एक मतलब लगभग एक साल में इतना चेंज आया है कि उनमें से एक बच्चा स्टेट में फर्स्ट आया हमारे यहाँ क्विज प्रतियोगिता में। चलिए आखिर में अगर मैं कहूँ कि जो बहुत बड़े बदलाव आपकी वजह से जिन आरटीआई से हुए हैं उसमें एक फर्जी डॉक्टर्स वाला मामला, एक घटिया दवाइयां जो सरकारी अस्पतालों में सब स्टैंडर्ड मेडिसिन का, एक क्लिनिकल ट्रायल्स वाले में भी काफी वो हुआ था, उसमें क्या था लोगों की मौत कितनी होती, हाँ, इंडियंस को गिनी पिग की तरह से यूज कर रही थी कंपनियां, उसके अंदर आया कि बड़ा अलग के इंडिया के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो क्लिनिकल ट्रायल कर रही हैं, क्लिनिकल ट्रायल भी क्या सीधे सीधे वो जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी आईटी में आगे करीब 5 सालों में 1593 भारतीयों की मौत हो गई उससे और मुआवजा मात्र 22 को मिला है। 1593 मौतों में मात्र 22 को मुआवजा मिला है। और वो आरटीआई भी आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है जिससे हमने वो आरटीआई मांगी थी, मतलब उन्होंने भी उस मामले को बहुत दबाने की कोशिश की, वो आरटीआई नहीं दी उन्होंने, कमीशन में चले गए उसके बावजूद नहीं दी, कमीशन ने ऑर्डर कर दिया फिर भी नहीं दी, जब कमीशन ने उनको फाइन का नोटिस किया गया आपने हमारे आदेशों की पालना नहीं की है, क्यों ना आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिखा जाए, क्यों ना आपको फाइन किया जाए, तब उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन दी। मतलब हम इसमें केवल कंपनीज को नहीं कह सकते, जो पूरा स्ट्रक्चर है, ऑफिसर है, वो सब उसमें इन्वॉल्व है। तो उसके बाद क्या बदलाव हुआ आप? उसके बाद एक तो वो जो रूल एंड रेगुलेशन थे उसके, उसको फॉलो करने लगे। उसमें रूल एंड रेगुलेशन क्या है कि आप जिसके ऊपर ट्रायल कर रहे हैं आप उससे सहमति लेंगे, पेशेंट से, उसके परिवार से सहमति लेंगे, आप उसका इंश्योरेंस करवाएंगे, अगर उसको कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाएंगे। अच्छा, और एक और आरटीआई थी आपकी कि विदेश दौरों पर जो नेता जाते हैं जी या अधिकारी भी जो हमारे वीआईपी सरकारी खर्च पे बाहर जाते हैं, अच्छा, उनके साथ एक रूल है कि जो भी वो गिफ्ट उनको विदेशी सरकार से मिलेगा वो उनको तोशाखाने में जमा कराना होता है 5,000 रुपए से ऊपर के अमाउंट का। तो आज तक कभी पहले पता ही नहीं लगता था कि क्या गिफ्ट मिला है फॉरन से, वो जमा करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। तो जब मैंने आरटीआई मांगी तो विदेश मंत्रालय ने मना किया कि नहीं हम दे नहीं सकते, इससे तो हमारे विदेशों से संबंध खराब हो जाएंगे, ये लॉजिक दिया उन्होंने। ओवरऑल मामला सूचना कमीशन में गया तो कमीशन ने मुझे भी सुना, उनको भी, तो मैंने कहा जी अगर इनको दिक्कत है विदेश से संबंध खराब हो जाए, देश का नाम मत बताइए लेकिन नेता का नाम तो बताइए, गिफ्ट कितने का लेके आया, वो कब लेके आया। फिर जब कमीशन ने ऑर्डर किया और पहली बार ये खुलासा होने लग गया कि किस किस नेता को क्या क्या गिफ्ट मिला है, उसे तोशाखाना में जमा करवाया कि नहीं करवाया। रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए और एक बहुत अच्छी मिसाल बनकर आप आए हम सबके लिए। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स वुड फील इनकरेज्ड। इन लोगों से आप कुछ कहना चाहते हैं? दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि रोज हमारी जिंदगी में से एक दिन कम हो रहा है, आप अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ देश और समाज के लिए भी कुछ कीजिए ताकि कुछ बदलाव आ सके। और जो लोग जिनको आज जिंदगी का मतलब ही मालूम नहीं है, जो सुबह से शाम रोटी की लड़ाई की है कि किसी तरह उनको रोटी मिल जाए, उनके लिए भी कुछ कीजिए, आपको अच्छा लगेगा और आपको भी नए रास्ते मिलते जाएंगे इससे। हमेशा जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। रमेश वर्मा की एक खासियत यह भी है कि अगर पहली बार आरटीआई से उन्हें जवाब नहीं मिलता तो भी वो हार नहीं मानते, वो तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक उन्हें सही सूचना मिलना जाए। ऐसे सभी लोगों को इनसे सीखना होगा जो ये कहते हैं कि आरटीआई डालने से क्या फायदा होगा या जवाब तो मिलता नहीं। अगर आप लगन के साथ डटे रहेंगे तो जवाब भी जरूर मिलेगा।
कोई भी जन सूचना अधिकारी आपकी आरटीआई को अस्वीकार नहीं कर सकता। वो संबंधित विभाग के पास आपके आवेदन को भेजने और इसके बारे में आपको सूचित करने के लिए बाध्य है और आपको हर हाल में 30 दिन के अंदर सूचना मिल जानी चाहिए। ये सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी है। वो एक मजलूम बहिम्मत नजर आजाद हो जिसकी तहे खंजर जो तो आ जाता है, दुश्मन से नहीं डरता। वाह।